ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितृतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 41। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि अर्जुन जिन्होंने अपने रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थित किया तो उन्होंने देखा कि दोनों तरफ उनके अपने ही बंधु मित्र उपस्थित हैं और वहाँ उपस्थित हैं युद्ध करने के लिए। तो उसको देखकर अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ा विचार पैदा हुआ कि इन सब को मारने से हमें क्या लाभ होगा और हमें अगर राज्य मिल भी जाएगा तो उसका भोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो उनके बगैर हम भोग क्या करेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति संसार में हम कुछ भोग करते हैं, कुछ उत्सव मनाते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ अपने मित्र बंधुओं के साथ मनाते हैं, लेकिन जब वही नहीं रहेंगे तो फिर हम किस वस्तु का भोग करेंगे।
तो इसलिए उसके मन में एक बहुत बड़ी ये दुविधा पैदा हुई कि युद्ध करूं या ना करूं। वास्तव में वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि वो सोच रहा था कि युद्ध नहीं ही करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो बहुत निश्चयपूर्वक कहता कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और जब वो ऐसा कहता भी है, नयोत्सहित गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, आगे दूसरे अध्याय में कहेगा, तो भी उसका निश्चय नहीं है। ये ऊपर से बोल रहा है लेकिन अंदर से फिर भी उसको पता है कि वो एक क्षत्रिय है और उनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया दुर्योधन इत्यादि ने, और उनका राज्य उन लोगों ने आधार्मिक तरीके से हमसे ले लिया है, तो उसका धर्म है उसके लिए लड़ना। ये बात भी उसके मन में है लेकिन फिर भी वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। और जब तक हम निर्णय नहीं कर पाते हैं तब तक हम किसी कार्य में अपना मन पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं। तो वो चाहता है वास्तव में कि भगवान उसको इस बात के लिए राजी कर लें कि नहीं तुमको युद्ध ही करना है, निश्चय कराएं उससे, और उसके मन में जो संशय है उसको वो दूर करें। तो इसलिए वो अपने तर्क भगवान के सामने पेश कर रहा है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था और उसमें कहा था कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभि भवत्युत। तो उन्होंने कहा था जब कुल नष्ट हो जाता है तो प्राचीन कुल परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, और कुल परंपराओं के नष्ट होने से अधर्म पूरे कुल पर हावी हो जाता है। तो ये संसार धर्म पर आधारित है। अगर आप सृष्टि को भी देखें तो धर्म का मतलब है एक नियम है, उन नियम से चलता है, एक रिदम जिसको बोलते हैं, दिन रात और ऋतु आती हैं और जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने पथ पर चलते रहते हैं और उसी से सृष्टि चलती है। और पूरी सृष्टि भी एक रिदम से चलती है। सृष्टि होती है, फिर स्थिति होती है, फिर लय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर स्थिति, फिर लय। तो इस प्रकार से एक चक्र है, एक क्रम है जिससे चलता है, और इस क्रम में कभी जो है विक्रम नहीं होता, इसमें व्युत्क्रम नहीं होता, इसी प्रकार चलता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक क्रम से चलता है, लेकिन उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भी कुछ धर्म का पालन करना पड़ता है। और ये उत्तरदायित्व केवल मनुष्य के ऊपर ही है, क्योंकि बाकी सब तो अपनी प्रकृति से चलते हैं। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, या जलचर हैं, नभचर, जितने भी जीव हैं, सब अपने अपने स्वभाव से चलते हैं और अपने स्वभाव का व्यतिक्रम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव, वास्तव में उसका स्वभाव क्या है ये उसको निश्चय नहीं है। लेकिन मनुष्य से ये आशा की जाती है कि वो धर्म का पालन करे। और धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने कुछ नियम बनाए सृष्टि क्रम के लिए। जैसे आप कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल आता है कि उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्योंकि जिसने उसको बनाया है वही जानता है कि इसके कलपुर्जे कैसे काम करते हैं और इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या एक किस तरह से सुचारू रूप से चल सकता है, और इसको उस प्रकार से नहीं चलाएंगे तो उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो ये जो उसका बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जानता है क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार से इसका डिज़ाइन बनाया। इसी प्रकार ये संसार के रचने वाले जो रचयिता हैं, सृष्टा हैं, तो उन्होंने भी उसके साथ में एक इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल दिया है हमें जीने के लिए, उसका नाम वेद है। और उसमें वेद में वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। तो धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आप उसको हाथ में लेके किसी को दे दें, वो ऐसे कोई स्पर्श करने वाली देखने वाली चीज़ नहीं, वो नियमावली है। उसमें विधि निषेध है, शास्त्र का यही है। अगर आप शास्त्र पढ़ें तो शासनात् शास्त्रम, शास्त्र जो है वो शासन करता है। शासन करने का मतलब होता है कि हमको विधि और निषेध का ज्ञान देता है।
और वो केवल मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य इतर जितने भी प्राणी हैं उन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से चलते हैं, उनमें कोई योग्यता ही नहीं है कि वो स्वभाव का व्यतिक्रम करें, विधि के विरुद्ध में काम करें। तो मनुष्य को ही उस धर्म को समझना है, और वो धर्म की यूनिट जो है वो कहते हैं कुल धर्म, क्योंकि हम किसी भी परिवार में पैदा होते हैं और फिर परिवार में कुछ नियमावली होती है, आप किसी भी परिवार में रहते हैं तो वहाँ भी तो कुछ नियम है ना, तो इसी प्रकार वो कुल धर्म जो है वो ही सनातन धर्म के अंग हैं। अगर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वास्तव में तो सनातन धर्म का नष्ट कैसे हो सकता है, नष्ट होने का मतलब है कि उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो यही अर्जुन की चिंता है, और इसी कड़ी में फिर वो अगला श्लोक बोलता है, अधर्म अभी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो ये बड़ा मार्मिक श्लोक है, और आजकल इसको पढ़कर सुनकर हमारे अंदर प्रतिक्रिया होगी, हम कुछ कहेंगे कि यह क्या बकवास है, लेकिन ये बहुत गहरा तत्व वो बोल रहा है। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, अधर्म के फैलने से कुल में स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्णों का मिश्रण आरंभ होता है। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक मूल नियम है, वर्ण की रक्षा करना, क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि की तो उन्होंने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी, और उसको सही रखने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था दी, और वर्ण और आश्रम की सुरक्षा जो है वो स्त्री से होती है। तो स्त्री जो है वो एक क्षेत्र के समान है, खेत जैसे खेत होता है, तो अगर खेत की जमीन बढ़िया है तो उसमें फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो वो सुख समृद्धि का कारण बनेगी। अगर फसल ठीक से पैदा नहीं होगी तो व्यक्ति भूखे मरेंगे, अराजकता फैलेगी। तो इसलिए उस क्षेत्र को सही रखना ये बहुत आवश्यक है, और ये सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का ये एक बहुत बड़ा मूल मुद्दा है, स्त्री की रक्षा करना। तो पिता रक्षति कौमारे, जो कहा है कि पिता कौमार अवस्था में स्त्री की रक्षा करता है, और पति युवावस्था में, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है, तो स्त्री को हमेशा सुरक्षित रखा गया भारतीय संस्कृति में, और आज बिल्कुल उसका विरुद्ध आचरण हो रहा है, और उसके लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो उसका परिणाम भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस परिणाम को वही देख सकता है जिसको इस बात का पता होगा, दूसरा व्यक्ति तो समझ नहीं पाएगा इसको, और बल्कि इसका विरोध करेगा कि ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो, स्त्रियां भी विरोध करेंगी विशेष तौर से। तो इस नियम को तो कोई बदल नहीं सकता है, खेत में ही बीज पैदा होता है, इसको कोई बदल सकता है क्या? बच्चा तो स्त्री से ही पैदा होता है, तो इसको तो कोई बदल नहीं सकता, चाहे स्त्री कितनी ही प्रतिस्पर्धा करे फिर भी जन्म तो वही देगी, मनुष्य तो दे नहीं सकता है। मनुष्य मतलब पुरुष। तो इसलिए अगर उस स्त्री जो है वो दूषित हो जाती है तो उससे फिर दूषित संतान पैदा होगी, और दूषित संतान पैदा होगी तो समाज दूषित होगा, और समाज दूषित होगा तो अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी तो धर्म का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो लोग किसी की बात मानेंगे ही नहीं। जो वर्ण संकर होगा वो धर्म के विरुद्ध काम करेगा, ये तो गारंटी की बात है, उसके DNA में ही होगा धर्म के विरुद्ध चलना। क्यों? क्योंकि वो अधर्म से ही पैदा हुआ है, जो जिस चीज से पैदा होता है कारण तो कार्य में जाएगा ही ना, जिस चीज से कोई चीज दूसरी चीज बनती है
तो जो चीज़ उसको बनाती है वो उस जो प्रोडक्ट है जो कार्य है उसमें तो आएगा ही ना, उसको तो आप मना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वर्ण के मिश्रण से पैदा होगा वर्ण संकर उसी को बोलते हैं वर्ण संकर। संकर मतलब मिलाना, और मिलाने का मतलब है गलत तरीके से मिलाना। ठीक तरीके से मिलाने को कहते हैं संस्कार, और गलत तरीके से मिलाने को बोलते हैं संकर। उसी धातु से बनते हैं तो वो अधर्म ही, अधर्म उसके अंदर ही होगा, वो धर्म उसकी समझ नहीं आएगा, धर्म का वो विरोध करेगा, धर्म का पालन करने में उसको बड़ा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पैदाइश ही ऐसी है, उसका जन्म ही ऐसे हुआ है। तो ये बात आज हमारे आधुनिक मानसिकता के लोगों को समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। ये उनको लगेगा कि ये बड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति है जो ऐसा बोल रहा है। अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम चांद पर पहुंच गए, जहां भी पहुंच गए, और ये क्या वही पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहा है। तो आप जो मर्जी के हैं इसको तो आप बदल नहीं सकते। तो जैसे आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां आ रही हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, राइट, जीएम बोलते हैं क्या उनको, तो उनका कुछ पता नहीं है ना कि वो कैसा उसका परिणाम होगा। जो जीएम वेजिटेबल्स हैं, जीएम ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमें तो पता नहीं है कि इसके क्या गुण धर्म होंगे। जो नॉर्मल है उसका तो पता है, लेकिन जो मिक्स करके बताएं उसका कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि इसको खाने से क्या होगा? अभी आप कह सकते हैं कि देखने में सुंदर लगता है, इसका साइज बड़ा है, ये है वो है, अनेक प्रकार के, वो ठीक है, लेकिन ये जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा उसका क्या परिणाम होगा ये तो हमें मालूम नहीं है ना। तो वर्ण संकर भी ऐसे ही है। जो वर्ण है, वो जो ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण की तरह ही काम करेगा क्योंकि उसका DNA ऐसे ही है। जो क्षत्रिय है वो धर्म के अनुसार चलते हैं ना सर। सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सब अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जो वर्ण संकर होगा उसकी प्रकृति तो हमें पता नहीं है कि क्या है और किस परिस्थिति में ये कैसे काम करेगा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन ये इतना तो कह सकते हैं कि वो धर्म नहीं मानेगा क्योंकि वो अधर्म, अधर्म की पैदाइश है वो। और आज इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज वर्णाश्रम को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया के प्रयास चल रहे हैं और तोड़ ही दिया है उसको। हमारी भारत की सरकार भी इसको बढ़ावा देती है, कहीं कहीं तो उसके लिए पैसा भी देते हैं, अगर आप दूसरे वर्ण में शादी करें तो उसके लिए आपको पैसा भी मिलता है। तो अधर्म बढ़ाने के लिए, और ये वो जानते नहीं है कि इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये तो अवनति का कारण है समाज की। तो हालांकि अर्जुन जो कह रहा है वो किसी और परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता इसलिए बोल रहा है, लेकिन बात वो सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में स्त्री की रक्षा करने का बहुत बड़ा एक महत्व हमारे शास्त्रों में दिखाया है। और किसी की शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो फिर वो अपने पति के प्रति किस प्रकार से परायण रहती है और किस प्रकार से वो पर पुरुष से कोई संबंध रखना नहीं चाहती है, तो ये सब स्वाभाविक ही था। अभी तो ऐसे लगता है कि क्या है, ये तो एक दासत्व है, स्लेवरी है, और उसको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। तो स्वतंत्रता और उच्छृंखल था, ये दोनों अलग अलग हैं। आज हम प्राय करके उच्छृंखलता और स्वतंत्रता को एक मान रहे हैं। ये एक बड़े क्या कहें, दुर्भाग्य की बात है, हास्य का विषय है कि इतना भी अंतर हम नहीं जानते हैं। धर्म के विरुद्ध कार्य करना वो उच्छृंखलता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता अगर आपके पास है तो स्वतंत्रता के साथ में उत्तरदायित्व भी आता है।
जहाँ जहाँ किसी को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है कुछ करने की, यानी कि जो दूसरों को उपलब्ध नहीं है और आपको है, तो उनके साथ में उत्तरदायित्व भी होता है। जैसे किसी भी संस्था में आप काम करते हैं तो जो ऊंचे पद पर होते हैं उनके पास में ज़्यादा स्वतंत्रता रहती है, लेकिन उनके ऊपर उत्तरदायित्व भी ज़्यादा रहता है। वास्तव में स्वतंत्रता दी इसलिए जाती है ताकि वो ज़्यादा उत्तरदायित्व को निभा सकें। जहाँ जहाँ भी देखें आप, किसी भी जगह जाएं, जो उच्च पद पर होते हैं उनके उनके पास में ज़्यादा स्वतंत्रता रहती है। क्यों रहती है? अगर वो स्वतंत्रता नहीं होगी तो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेंगे। वो स्वतंत्रता दी इसलिए जाती है ताकि वो अपना उत्तरदायित्व निभा सकें। इसलिए नहीं दी जाती कि आप उच्छृंखल हो जाएँ, आप जो हैं नियंत्रण से बाहर चले जाएँ या कुछ गलत काम करें, अधार्मिक कार्य करें, उसके लिए नहीं दी जाती है। लेकिन प्राय लोग इस अंतर को, इस भेद को नहीं समझ पाते हैं और उससे समाज में बड़ी अव्यवस्था फैलती है। तो अर्जुन किस इस समय जो वो अपना तर्क दे रहा है, उसके मन में जो एक शंका है वो इसी चीज़ को लेकर है। तो स्त्रियां क्यों दूषित हो जाएंगी? क्योंकि अधर्म फैल जाएगा। अधर्म क्यों फैल जाएगा? क्योंकि किसी भी समाज में, किसी समाज जो है वो परिवार से बना होता है। समाज कोई अलग चीज़ नहीं है। समाज की जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है, और परिवार में कोई मुखिया होगा तो वो उसको नियंत्रण में रखेगा। आज परिवार में कोई मुखिया नहीं है, हर एक व्यक्ति ही मुखिया है। पति भी मुखिया है, पत्नी भी मुखिया है, बच्चे भी मुखिया हैं, सब बॉस हैं ना। तो फिर उसमें कुल धर्म और जाति धर्म की बात कहाँ से आएगी? कोई किसी को तो कुछ कह नहीं सकता है कि इसको ऐसे मत करो, ऐसे कीजिए। कोई किसी की मानने वाला नहीं है। पति जो है वो पत्नी की नहीं मानेगा, पत्नी पति की नहीं मानेगा, बेटा बाप की नहीं मानेगा, बल्कि चाहे बेटा चाहेगा कि बाप मेरी माने। हर एक अपनी बात दूसरे से मनवाना चाहता, लेकिन मानना किसी की नहीं चाहता। ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि मैं अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा भी तो चाहता ना कि मैं उसकी बात मानूँ, तो मैं उसकी बात नहीं मानना चाहता हूँ। तो इसलिए पहले व्यवस्था ये हमारे समाज में ऐसी ही थी और पूरे संसार में ऐसी थी कि कोई भी कुल होगा, परिवार होगा, तो उसमें एक मुखिया होगा उसका, और उसके उसकी बात को मान के सब चलते थे पहले, इसलिए व्यवस्था रहती थी। तो अगर कोई गलत काम करता था तो वो कहता था कि ऐसा मत करो, तो इसलिए वो नियंत्रण रखता था। फिर गांव में भी ऐसा ही होता था, गांव का भी मुखिया होता था, तो गांव के मुखिया का यही काम था, कोई गलत काम करता है तो उसको हटाएगा। हमने देखा अपने बचपन में, गांव का जो मुखिया होता था उसको सब थोड़ा उसका भय रहता था। बच्चे कोई गलत काम करते थे तो वो जाके डांटता था उनको कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्या खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, ये क्या कंचे खेलते हो, जाके पढ़ो। आज तो आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते, दूसरों को तो कहने की बात ही छोड़ दीजिए, और उस समय बात मानते थे लोग। तो इसलिए वो कहता है कि जब ये समाप्त हो जाएगा तो कोई किसी की बात मानेगा नहीं, और फिर जो है सब ये धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि धर्म का मतलब ही है कुछ विधि निषेध का पालन करना। तो जब हम कोई विधि निषेध जानेंगे ही नहीं पालन करने की, तो बात अलग है, तो फिर धर्म कहाँ रहेगा? और धर्म नहीं रहेगा तो समाज में अव्यवस्था आएगी ही, क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है धर्म धारयते प्रजा। धर्म तो है ही वो जो प्रजा का धारण करता है, प्रजा समाज परिवार। तो ये सब जो है वो हमारे परिवार से चालू होता है, और परिवार में स्त्री मुख्य है। हालांकि लोग ये सोचते हैं कि परिवार में पुरुष मुख्य है, लेकिन वास्तव में स्त्री मुख्य है, क्योंकि स्त्री तो पैदा करती है सबको। स्त्री और पुरुष दोनों स्त्री से ही पैदा होते हैं, तो इसलिए उसको खेती के खेत के समान बताया। बीज भी वहीं से पैदा होता है, बीज खेत में डालते हैं, लेकिन बीज आता कहाँ से? वो भी तो खेत में से ही आता है। तो इसलिए उसको शुद्ध रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी सारी नियमावली जो बनाई गई हमारे धर्म में, वो केवल इसलिए, उसका एक मुख्य कारण था कि इसको शुद्ध कैसे रखा जाए। और शुद्धता का मतलब है मानसिक शुद्धता, क्योंकि जो अशुद्धि आती है वो मन में आती है,
विचार अशुद्ध हो जाते हैं, और विचार जब अशुद्ध हो जाते हैं तो फिर हम निर्णय गलत लेते हैं, फिर उस पर गलत काम करते हैं। तो जो अधार्मिक व्यक्ति होगा उसका उसके अंदर विवेक नहीं होगा। धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति में अंतर इतना ही है कि धार्मिक व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, और विवेक के कारण वो सही निर्णय ले सकता है कि ये गलत है और ये ठीक है, मेरे को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अधार्मिक व्यक्ति में वो विवेक रहता नहीं है, पर वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। इसलिए आजकल किसी व्यक्ति को कुछ भी कहना बड़ा कठिन काम है। आप किसी को कुछ बताओगे तो सबसे पहले वो कहेगा क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। चाहे आप कोई भी हो, आप गुरु हैं, अपने शिष्य को कुछ कहिए तो कहेगा क्यों, ऐसा क्यों करूं। तो इसलिए कहना बहुत कठिन काम है किसी को, किसी से कुछ समझाना बताना, और वो उसी की भलाई के लिए है। इससे लाभ उन्हीं का होगा जिनको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। शिक्षा भी तो तभी दी जाए ना जब कोई लेने के लिए तैयार हो, जब कोई लेना नहीं चाहता तो दें किसको। तो आज इसलिए शिक्षा बहुत दी जा रही है पूरे संसार में, हर जगह शिक्षा उपलब्ध है। इंटरनेट पर चले जाइए, हजारों सैकड़ों लाखों प्रवचन फ्री में आप सुन सकते हैं, लेकिन उसको लेता कौन है। तो ये कारण इसी का यही है कि हमारे अंदर विवेक समाप्त हो गया है, और उस विवेक के कारण हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन जो है इसी को लेकर अपना रोना रो रहा है, और जो रोना वो रो रहा है वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं अभी अपने समाज में। ये तो हमारी आँखों के सामने है, इसको कुछ हमें सोचना नहीं है कि ऐसा वो तो सोच रहा था ऐसा हो जाएगा कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर हो जाएगा, फिर ये लुप्त पिंडोदक क्रिया जो आगे कहेगा वो सब होगा, तो वो अब हो चुका है। अर्जुन ने जो जो भी यहाँ कहा वो सब हमारी आँखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, हमें उसके लिए कुछ इमेजिन नहीं करना है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये तो सब हो रहा है। तो आगे वो कहते हैं संकर हो जाएगा तो उससे क्या परेशानी है। वो कहता है जायते वर्ण संकर, तो हो जाए उससे क्या परेशानी, वर्ण संकर ही तो है। तो कहता संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्णों के परस्पर मिश्रण से कुल को नष्ट करने वालों के साथ साथ स्वयं कुल को भी केवल नरक ही प्राप्त होता है। उनके पूर्वज भी निश्चित रूप से चावल और जल के श्राद्ध एवं तर्पण क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं, रह जाने के कारण निश्चित रूप से पतित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये वर्णाश्रम धर्म का, श्राद्ध करने का, और पूरा वर्णाश्रम धर्म ही एक बहुत बड़े विज्ञान पर आधारित है कि किस तरह से पूरा समाज जो है वो धार्मिक रहे, और पूरा समाज जो है वो आध्यात्मिक रूप से तरक्की करे। ये वर्णाश्रम धर्म जो बनाया गया था, ये बनाया था कि पूरा समाज किस तरह से इस सांसारिक बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो, भक्ति को प्राप्त हो। तो लेकिन अगर हम उसके नियमों को तोड़ेंगे तो उसका फल क्या होगा, नरक। नरक का मतलब दुख, यानी कि उसका परिणाम केवल दुख भोगना होगा, और वो वास्तव में कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हम वही काम किए जाते हैं। तो हम काम वो कर रहे हैं जिससे हमको दुख मिलेगा, और फिर हम सोचते हैं कि हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा, तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। तो हम खेती तो बबूल की कर रहे हैं, कांटों के वृक्षों की, और सोचते हैं कि इसमें आम मिल जाएगा हमको, तो आम तो आम के पेड़ से ही मिलेगा। तो आम बोएंगे हम बबूल और चाहेंगे आम, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो पैदा करेंगे वर्ण संकर, और फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी बात मान के चलेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, तो वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने बीज तो गलत बोया ना।
तो सबके सामने आ रहा है अभी, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि शंकरो नरकायेव कुलघ्ना नाम कुलस्य च, वो कुल का घाती होगा, कुल कुल को नीचे ले जाएगा, यानी कि वो अपना पतन तो करेगा ही, दूसरों को भी नीचे खींचेगा। कोई अगर नीचे गिर रहा है उसका हाथ पकड़ोगे, कोई डूब रहा है तो उसके साथ आप भी डूबोगे, अगर कोई पानी में डूब रहा है आप जाके उसको पकड़ लो तो आप तो तैर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ लिया तो सो साथ में आपको भी लेके जाएगा और आपको ज़बरदस्ती पकड़ लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है, तो दोनों जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक कुल का नष्ट करने वाला होगा, कुल का पतन करने वाला होगा, और उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, जो पितर हैं वो भी नीचे गिरेंगे, पतंति पितरो ही है शामिन के, जो पितर लोग हैं यानी कि जो पहले मर चुके हैं, पितर माने जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उनका भी पतन होगा। वो स्वयं वर्णशंकर नहीं थे लेकिन उनके कुल में वर्णशंकर आ गए हैं, तो क्योंकि जो वर्णशंकर होगा पहली बात तो वो श्राद्ध करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी धर्म में रुचि नहीं होगी, वो क्यों करेगा, और अगर वो करेगा भी तो पितर उसको लेंगे नहीं, क्योंकि वो वर्णशंकर है, उनका है ही नहीं वो, उनकी टीम का मेंबर ही नहीं है वो, क्योंकि वो ना इधर है ना उधर। तो आजकल जो है घोड़ों का कुत्तों का उनकी वंशावली की रक्षा के लिए पेडिग्री बोलते हैं ना उसको, तो उसके लिए बहुत सुरक्षित रखी जाती है उसको, खासतौर से घोड़े जो रेस के घोड़े होते हैं तो उनकी पेडिग्री उसको कितना सुरक्षित रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि ये किसी दूसरे के साथ में इसका संबंध ना हो जाए, ऐसे कुत्तों का भी, लेकिन मनुष्यों का वो कुछ नहीं, उसके विरोध में काम कर, ये क्या वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई। तो इसलिए कुत्ते और घोड़े इत्यादि वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो नरक में जा रहा है। तो ये मनुष्य जो दूसरों की पेडिग्री को सुरक्षित रखना चाहता है लेकिन अपनी के लिए कुछ नहीं सोचता, तो ये व्यक्ति जब मर जाता है तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा तो वास्तव में मरती नहीं है, मृत्यु का मतलब होता है शरीर बदलना, तो इसलिए वो मरने के बाद उनको पितर होते हैं, पितृलोक होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मरने के बाद में सब पितृलोक में ही जाते हैं, नहीं, कुछ पितृलोक में जाते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, त्रिलोक है ना, ये ऊपर का लोक, बीच का लोक, नीचे का लोक, तो पितर कहीं भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, बीच वाले में, और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य बने, घोड़ा, गधा, मछली, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर उसके वंशज श्राद्ध करेंगे तो वो जिस योनि में होगा उसको वहाँ उसका फल मिलेगा, उसको आनंद संतुष्टि मिलेगी। अगर वो कुत्ता भी बन गया है किसी का पितर और आप श्राद्ध करते हैं तो कुत्ता भी संतुष्ट कुत्ता होगा, फिर उसको उसको उस श्राद्ध का फल मिलेगा, और अगर नहीं करते हैं तो असंतुष्ट रहेगा, दुखी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन ये तभी संभव है जब वर्णशंकर ना हो और अपनी वंशावली उस प्रकार से चले। तो इसके बारे में हमारे स्मृति शास्त्रों में बहुत नियम दिए गए हैं, श्राद्ध कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, स्थान का भी किस समय पे किया जाए, कौन कौन इसके अधिकारी हैं करने के, कौन अधिकारी नहीं है, ये सब वर्णन शास्त्रों में दिया है। तो ऐसे ही नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है कि किसी ने ऐसे बना दिया, जो हमारे ऋषि हैं, जो दृष्टा हैं, जो इस विषय को देख सकते हैं, जो हमारी बुद्धि से परे की बात है, तो उसको जानकर उन्होंने ये सब नियम बनाए हैं ताकि हम दूसरों का कल्याण, अपने पितरों का कल्याण कर सकें।
और हमारा अपना जो स्वास्थ्य है, हमारा अपनी जो समृद्धि है, ये पितरों पर निर्भर करती है, उनके संतोष पर। अगर पितर संतुष्ट हो जाते हैं, कोई कहेगा ठीक है उनको लाभ हो गया, इससे मेरे को क्या मिलेगा, तो उससे आपके जीवन में भी समृद्धि आती है। विशेष तौर से हमारा जो स्वास्थ्य है ये पितरों से संबंधित होता है। तो दो प्रकार के लोग समाज में पहले होते थे, एक जो गृहस्थ होते थे, दूसरे जो संन्यास्त होते थे। तो जो संन्यास लेते हैं उनको तो इसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना निरग्नि न चाक्रियः, क्योंकि सन्यासी लोग ना यज्ञ करते हैं, निरग्नि माने यज्ञ ना करना, और अक्रिय माने वो इस प्रकार की क्रिया, यहाँ लुप्त पिंडोदक क्रिया शब्द का ही प्रयोग किया ना यहाँ पे, तो श्राद्ध इत्यादि भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने कुल से एक संबंध तोड़ लेते हैं। उनका संबंध जो है फिर भगवान से होता है, तो उनके ऊपर इसका इस नियम को पालन करने का कोई भार नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये आवश्यक है। तो श्राद्ध की पूरी विधि है, तो जो वर्णशंकर होंगे वो इसका पालन नहीं करेंगे, उनको बताने वाला भी नहीं कोई होगा, क्योंकि युद्ध में बड़े लोग मर जाएंगे, तो ये सब समस्या आएगी। तो दो समस्या बता रहे हैं, एक तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पूरा समाज वर्णशंकर होगा, और दूसरे जो लोग हैं वो ये पिंडोदक क्रिया नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक पाप का कारण है। सैव पापिष्ठ तमो लोके या कुरियात कुल नाशनम, तो जो अपने इसलिए जो अपने कुल का नाश करता है उसको बहुत बड़ा पापी कहा गया है। दोष ही रहता ही कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कार के ही उत्साहते जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वत। कुलों को नष्ट और वर्णों का मिश्रण कराने वाले इन दोषों के कारण जाति एवं कुल की प्राचीन परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी, तो इसका यही परिणाम होगा कि ये दोष, जो दोष कौन सा, वर्ण संकर, और इसके कारण कुल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर कौन किस कुल का, आइडेंटिटी आजकल बड़ी समस्या है ना ये, कि किसकी क्या आइडेंटिटी है। तो ये जाति धर्म कुल धर्म ये बहु हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जो जिस जाति का है उसकी वो एक अभिमान रहता है, एक प्राइड फील करता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, तो फिर वो अपने कुल के जो विरुद्ध कार्य है वो नहीं करेगा। वो सोचा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा नीच कार्य कैसे कर सकता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर से ही एक इस प्रकार की एक अनुभूति, एक विचार आता है, तो उसको गलत काम करने से रोकता है। अब जब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खाए, कहीं भी पिए, कहीं भी बैठ जाए, किसी के साथ भी मिले, तो उसका तो कोई इस प्रकार का अभिमान नहीं है ना कि मैं इस प्रकार का हूँ या उस प्रकार का। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए भारत में पहले लोग अगर कहीं यात्रा करते थे, दूसरों से मिलते थे, तो सबसे पहले यही प्रश्न होता था, आप कौन सी जाति के हैं। आज तो ये कोई प्रश्न पूछता नहीं है, और अगर पूछेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, अप्रसन्न होंगे, क्या जाति की बात कर रहा है। और विशेष तौर से कोई मिक्स जाति का होगा या होगा तो अप्रसन्न हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, क्यों पूछते हो ये। लेकिन पहले एक साधारण बात थी ऐसा पूछना, क्योंकि जैसे ही वो पता चलता था इस जाति का, तो उसको समझ आ जाता है कि ये इस प्रकार का हमारा रहन सहन, खान पान पर बहुत ध्यान देते थे, किसके साथ में आप बैठकर खा सकते हैं, किसके साथ में नहीं खा सकते हैं, किसके साथ में आपका शादी विवाह हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते थे हिंदी में रोटी बेटी का संबंध। रोटी का संबंध माने खाना, हर एक व्यक्ति के साथ बैठकर खाना नहीं खाता था, और बेटी का संबंध माने अपनी बेटी किसके साथ साथ हम शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो समाज है, ये हमारे शरीर पर चलता है, शरीर से ही चलता है ना समाज,
अगर मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो समाज क्या रहेगा। समाज का मतलब ये होता है मनुष्यों का एक संग्रह है, तो वो शरीर है। तो शरीर के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो भोजन रोटी और एक विवाह बेटी। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, और फिर ये शरीर आगे चलता रहे उसके लिए हमें बच्चे पैदा करने हैं, उसी से तो चलता है ना। तो इसलिए इन दो के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत नियम बनाए, इतने नियम हैं कि पूछिए मत, खाने के बारे में और शादी के बारे में, किसके साथ में किसकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती है इत्यादि इत्यादि। तो ये जाति धर्म और कुल धर्म इन्हीं को बोलते हैं। तो इन्हीं से सनातन धर्म टिका हुआ है। ये जो जाति धर्म और कुल धर्म है, जाति मतलब वही वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कुल क्योंकि ब्राह्मण में भी अपने अपने कुल के अलग अलग परंपराएं, तो हर एक कुल में एक कुल देवी होती थी, हमारे परिवार का कुल देवता जिसकी पूजा होती थी। सब अलग अलग, ग्राम का देवता होता था, कुल का देवता होता था, और जाति की फिर अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं सबकी। तो उन्हीं से मिलके सनातन धर्म चलता था कहलाता था। तो अगर वो ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो उसी के लिए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि कुलों का नष्ट और वर्णों का मिश्रण कराने वाले इन दोषों के कारण जाति एवं कुल की प्राचीन परंपराएं विलुप्त हो जाती हैं। तो पहले इन्हीं को लेके बहुत अभिमान करते थे। शिशुपाल जब भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ के समय पे कि उनकी अग्र पूजा होनी, तो ये भी तो एक उनके अंदर वो दोष निकाल रहा था। कहता इसका यही पता नहीं है इसकी कौन सी जाति है, ये गोप जाति है या क्षत्रिय जाति है, क्योंकि वो पैदा तो वसुदेव देवकी के यहाँ हुआ था और पला था नंद महाराज के यहाँ पर। तो नंद महाराज वैश्य हैं, वसुदेव क्षत्रिय हैं। कहता इसका ये निर्णय नहीं है क्या है ये, और इसकी तुम पूजा कर रहे हो। तो उस समय की दृष्टि से जो बात बोल रहा था वो बहुत सटीक थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आप अग्र पूजा कैसे कर सकते हैं जिसका ये भी नहीं पता कि कौन सी जाति का। जाति तो सबसे पहले पता होनी चाहिए, जाति के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी आप क्रियाकर्म करते हैं, अभी भी आप कोई भी क्रियाकर्म करते हैं तो पूछता ना आपका गोत्र क्या है, क्योंकि अगर आपका गोत्र नहीं है तो आप संकल्प ही नहीं कर सकते, और संकल्प नहीं करेंगे तो फिर वो क्रियाकर्म कैसे होगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो आजकल तो अब जाति खत्म हो गई, किसी से पूछो तो, और है भी तो केवल कहने के लिए है, केवल वोट डालने के लिए, हाँ उससे ज़्यादा कुछ और रह नहीं गया है। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये बहुत बड़ी शंका और बहुत बड़ा एक भय पैदा हो गया है कि मैं इसका कारण बन रहा हूँ। वो अपने को इसका कारण मान रहा है कि मेरे कारण जो है ये कुल धर्म जाति धर्म इसका विनाश हो जाएगा, और इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए उस बहुत मन में भीति है, भय है कि ये युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक तरफ वो क्षत्रिय है तो करना उसको युद्ध तो करना उसका धर्म है, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि इसका जो परिणाम होगा वो धर्म का नाश होगा। तो वास्तव में धर्म का नाश युद्ध करने से नहीं होगा, धर्म का नाश, हालांकि वो इस प्रकार का तर्क दे रहा है, क्योंकि युद्ध तो पहले भी होते रहे, क्योंकि वो युद्ध किया जा रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए किए जा रहे हैं। अधार्मिक लोगों को हटाएंगे ना तभी तो धर्म बचेगा। अगर आप युद्ध नहीं, अधार्मिक लोगों से अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो वो तो धर्म का विनाश कर देंगे। ये बात समझने वाली है। भारत में सनातन धर्म का विनाश जो हुआ, वैदिक पद्धति का विनाश हुआ, इसी कारण ही तो ये है ना कि अधार्मिक लोगों ने यहाँ पर राज्य किया
और जो धार्मिक लोग थे यहाँ के उनको मारा, उनके पूजा स्थानों को, मंदिरों को, सबको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, पुस्तकों को जला दिया, जो गुरुकुल विद्यालय थे, शिक्षा के संस्थान थे, उन सबको विनष्ट कर दिया। अगर उनसे युद्ध करके धार्मिक लोग जीतते तो ऐसा नहीं होता ना? तो ऐसा नहीं है जो वो तर्क दे रहा है, उस तर्क में कुछ दम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि युद्ध करना ही नहीं चाहिए। तो जो अधार्मिक व्यक्ति हैं उनसे हमको अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम उनसे रक्षा करने के लिए युद्ध नहीं करेंगे तो वही तो हमारा विनाश कर देंगे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है, और जैसा वो आगे कहेगा भी कि अशस्त्रम शास्त्र पाणे है, कि ये लोग अगर मेरे को मारें निहत्थे को तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा, तो उससे लाभ क्या होगा? आप धार्मिक व्यक्ति हैं और एक अधार्मिक व्यक्ति आपको मार देता है तो इससे क्या धर्म बचेगा? आप उससे इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि इससे युद्ध करना धर्म का विनाश करेगा, पर वो तो ऐसा सोच नहीं रहा है। और वो स्वयं कहता है कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, कहा था ना उसने पहले लोभो उपत चेतसः, पहले कहा ना कि हालांकि ये नहीं देखते हैं इस बात को, लेकिन हम तो इस बात को देख रहे हैं, हम तो इस बात को जान रहे हैं, तो इसलिए हमको क्यों युद्ध करना चाहिए? कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितम्। तो हम तो जान रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि ये नहीं देख रहे हैं तो ये तो लड़ेंगे ही। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो उपहत चेतसा, कि इनका चित्त जो है वो लोभ से दूषित हो गया है, इसलिए ये नहीं देख रहे हैं कि कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोही च पातकम, के कुल के क्षय करने का दोष होने से कितना पाप लगेगा ये नहीं देख रहे हैं। तो अगर ये नहीं देख रहे हैं तो ये तो लड़ेंगे ही और कुल का विनाश करेंगे, तो आप उनको नहीं रोकेंगे तो आप तो उनका रास्ता साफ कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अधर्म का कार्य कर रहा है और हमारे अंदर क्षमता है उसको रोकने की, और हम अगर नहीं रोकते हैं तो हम भी तो अधर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम भी अधर्म बढ़ाने में भागीदार हो गए। तो ये दृष्टि अर्जुन की नहीं है इस समय, अपनी आसक्ति के कारण जो है वो केवल एक पक्ष को ही देख रहा है, अपने को बहुत बड़ा धार्मिक मान रहा है, दूसरों को अधार्मिक मान रहा है, और धार्मिक मानते हुए वो अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहता। ये उसकी सोच अपूर्ण है, उसका जो विश्लेषण है उसमें यही कमी है। वास्तव में अगर वो इतना धार्मिक है तो उसको सोचना तो चाहिए ना इस बात को। तो यहीं पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं प्राय करके, और आजकल विशेष तौर से, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया, तो उसके बाद में एक मानसिकता बनी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और वो मानसिकता बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो ये बात तो सही है कि शांति रहनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत कार्य कर रहा है उसके साथ भी अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो वो तो शक्ति में आएगा, वो तो अपना वर्चस्व जमाएगा, और फिर आपके ऊपर अधार्मिक तरीके से राज्य करेगा, तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना। तो आज सरकारें जो हैं इस तरह से ही काम करती हैं, यानी इनको भी शरण दीजिए, उनको भी शरण दीजिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इनको शरण देकर जो अधार्मिक व्यक्ति हैं आप अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अधार्मिक व्यक्ति को आप शरणागत बनाएंगे, शरण देंगे, तो वो एक ना एक दिन अपना अधार्मिक कृत्य करेगा ही। तो इसको अर्जुन नहीं सोच रहा। अगर वो युद्ध नहीं करता है तो उससे धर्म की रक्षा कैसे हो जाएगी?
होशाएंगे। दुर्योधन तो पहले ही अधर्म में लगा हुआ है और उनका राज्य छीन लिया है, तो इनको मार के भगा देगा। वो तो चाहता ही था इनको मारना, पहले भी उसने अनेक प्रयास किए इनको मारने के लिए, और अब युद्ध के समय वो सामने खड़े हुए हैं और ये युद्ध नहीं करेगा तो इनको मार देगा। वो तो क्यों हिचकेगा इनको मारने से। तो इसलिए उसका राज्य हो जाएगा, सर्वतंत्र स्वतंत्र बन जाएगा। तो यही उसकी सोच में थोड़ी गलती है, और इसीलिए भगवान बोलेंगे उसको समझाने के लिए। इस बात को हमें अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, फिर ऐसे लगता है कि भगवान जो है उसको लड़ा रहे हैं, उसको लड़ाने के लिए उकसा रहे हैं। ये बात बहुत लोगों के मन में आती है, बोलते भी हैं, प्रश्न करते भी हैं कि अर्जुन तो बहुत शांतिवादी व्यक्ति है और भगवान उसको इस तरह से क्यों युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वो उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसको धर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो उसका धर्म है अधर्म के विरुद्ध और अधार्मिक लोगों से समाज की रक्षा करना, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, और उसी पर वो बात करेंगे बार बार। तो इसलिए इसको समझ के चलना है, तभी भगवान के उत्तर जो है, भगवान ने क्या कहा, ये समझ में आएगा। तो आज का पाठ यही बंद करते हैं, अगले पाठ में ये अध्याय पूरा हो जाएगा। 4 श्लोक, 3 ही और रहते हैं, 4। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोले कि किसी महिला को या फिर किसी मिट्टी को पॉल्यूटेड कहने से हम ये कैसे समझ सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड है? पॉल्यूटेड का मतलब इट इज ये समय और स्थान पर भी निर्भर करता है क्या? उदाहरण दीजिए समय स्थान का। समय स्थान से आपका क्या अर्थ है बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। कुछ बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। बोल रहे हैं तो दूषित होने, अभी आपका स्थान के तो मैं समझ नहीं आया, स्थान प्लेस क्या समय, लेकिन दूषित होने का मतलब है वो धर्म का पालन नहीं करना, यही दूषण। जो उनका जाति धर्म कुल धर्म है उसका पालन ना करना, यही दूषण है, यही दोष है। आगे क्या बोल रहे हैं? वन मे बी वेरी रीजनेबल बट जस्ट अ मोमेंट ऑफ विम्सी कैन कॉज chaos इन our lives. How then is possible to follow on? क्या है इसका, स्पष्टता से बोलिए क्या विम्सिकल का मतलब क्या है आपका? जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे विम्सिकल नहीं होते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म में स्थित रहते हैं। अर्जुन को देखिए, वो क्या विम्सिकल आदमी है क्या? अपने धर्म में, उसके मन में शंका आ रही है तभी तो पूछ रहा है। तो मेरे को तो पता नहीं आप विम्सिकल से क्या कहना चाहते हैं। हाउ इज देन इज इट पॉसिबल टू फॉलो वर्णाश्रम इन दिस वर्ल्ड? इन दिस वर्ल्ड में तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये वर्णाश्रम कहीं है नहीं, लेकिन मैं इसके सिद्धांतों पर बात कर रहा हूँ। इसको आप इस समय प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। क्यों
क्योंकि वर्णाश्रम कोई एक व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये वर्णाश्रम जो है समाज पर निर्भर है। अगर पूरा समाज ही इसको पालन करना चाहता है तभी यह संभव है। एक व्यक्ति वर्णाश्रम करना चाहे वो करता रहे, उसको समझना पड़ेगा क्या है कैसे करेगा, लेकिन वास्तव में ये पूरे समाज का ही धर्म है। क्योंकि आपका आश्रम है, आप ब्रह्मचारी आश्रम रहना चाहते हैं, गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, अगर समाज में गुरुकुल है ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप अकेले क्या करेंगे। तो इसलिए पहले जो राजा लोग होते थे तो उनका कर्तव्य होता था कि पूरा समाज वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, और जो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध काम करता था उसको दंड देते थे, ये उसका काम था। तो अभी समाज जो है, हमारा राज्य है, वो सब सेक्युलर हो गया, धर्म निरपेक्ष, तो उसका तो उद्देश्य है नहीं वर्णाश्रम धर्म का पालन करना करवाना। तो इस समय ये बड़ी समस्या है, ये प्रश्न बार बार पूछते हैं लोग कि हम धर्म वर्णाश्रम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा समाज ही इस तरह से हो गया है, वर्णाश्रम की कुछ बात ही नहीं है। तो ये तभी संभव है कि जो हमारे देश के जो नीति बनाने वाले हैं, जैसे वो एक नीति आयोग है ना, तो वो लोग बैठ कर इस पर मंथन करें कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, तभी संभव है। एक व्यक्ति का काम नहीं है। और अगर आप कहीं छोटी मोटी जगह, जैसे कुछ लोग प्रयास करते हैं, वो करें भी तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसको ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। कहीं एक फार्म बना लें कि वहाँ पर आप वर्णाश्रम चलाएंगे, क्योंकि आपको रहना तो समाज के साथ ही है, आप इकोनॉमिकली आपको कैसे सस्टेन करेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। प्रश्न है कि व्यक्ति दीक्षित है और महामंत्र का जाप कर रहा है, क्या उनको श्राद्ध करने का जरूरत नहीं है क्या? अगर वो पूर्ण रूप से भक्ति के आश्रित है तो आवश्यकता नहीं। अगर उसकी श्रद्धा है भक्ति में पूर्ण रूप से तो आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यावत कर्माणि तावत कर्माणि कुरुवित न निर्विद्यत यावता मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावन जायते। तो इनका भगवान के श्रीमुख का ही वचन है। प्रश्न है, जय जय श्री राधे महाराज। महाराज, जाति के आधार पे हमें भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा कहा भी जाता है कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ये भेद शुरू हुए। लेकिन महाराज, मैंने आप ही की गीता की क्लास में सुना है कि पितामह भीष्म कर्ण को शूद्र कहते थे, तो महाराज इसको कैसे समझे? नहीं, समझना क्या है, जाति के साथ तो भेद होता ही है। ये तो आप अब ये आजकल जो आधुनिक समाज में इस प्रकार की ये प्रथा है कि जाति पांति का कोई भेद नहीं है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही कि ऐसा वैदिक समाज में नहीं था। वैदिक समाज में तो भेद था, स्पष्ट रूप से भेद था, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन भेद होने का मतलब ये नहीं था कि दूसरे को दबाएं या दूसरे का अपमान करें या निरादर करें या उसका शोषण करें। भेद का मतलब ये नहीं होता है। भेद का मतलब होता है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। जैसे हमारा अपना शरीर है तो हम उसमें भेद करते हैं नहीं कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैर को निरादर करें और हाथ को आदर दें। अगर आपको सर्दी लगती है तो पैरों में भी आप मोजा पहनते हैं, हाथ में ग्लव पहनते हैं, ऐसा तो नहीं कि तो पैर है साला मरने दो इसको ठंड में, इसकी चिंता क्यों करना, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ऐसे ही था समाज। समाज एक जैसे हमारा शरीर है, समाज भी, समाज की कल्पना भी एक शरीर के रूप में की गई थी। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन निकृता, ये तो पुरुष सूक्त में ही है ना, ऐसे भागवत में भी इस तरह से वर्णन किया गया। क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के लोग होंगे तो उनको समझना ही पड़ेगा, भेद तो करना पड़ेगा ना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो किसी को मार्केटिंग का जॉब देते हैं, किसी को डिजाइनिंग का देते हैं, किसी का मैनेजमेंट का देते हैं, तो भेद करते हैं नहीं करते हैं? आप कह लीजिए सब बराबर हैं, मार्केटिंग वाला मैनेज करें, मैनेज करने वाला मार्केटिंग करें, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि हमारी अपनी सबकी अलग अलग योग्यताएँ हैं, क्षमताएँ हैं,
हमारी अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, मन है, हमारी सामर्थ्य अलग अलग है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है इसको समझना कि मेरी क्या सामर्थ्य है, आपकी क्या सामर्थ्य है और उसके अनुरूप काम करना, यही तो वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम का मतलब ही है गुण कर्म विभाग से। भगवान ने कहा ना, गुण कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो हर व्यक्ति के अलग अलग गुण हैं, तो उस गुण को समझ कर और उसके अनुरूप कर्म करना, गुण कर्म विभाग करना, तो ये भेद, ऐसा भेद गलत नहीं है बल्कि ये सराहनीय है। लेकिन ऐसा भेद करना कि ये शूद्र है और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा तेरे को, तू मेरे बराबर नहीं है, इस प्रकार से दूसरों का निरादर करना, दूसरों को नीचा दिखाना, वो गलत बात। अब भीष्म पितामह क्यों कहते थे उनको सूत, तो वो शूद्र तो था ही, वो किसी को तो पता नहीं था कि ये पांडुपुत्र है, पांडव था कर्ण, कुंती का पुत्र था, पांडुपुत्र तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कनीन था, कन्यावस्था में पैदा हुआ था, लेकिन कुंती का पुत्र था इसलिए क्षत्रिय था। लेकिन ये तो उनको मालूम नहीं थे, सबको तो पता था कि उसके पिता जो है अधेरथ नाम के सूत हैं, राधे हैं, उसकी माता का नाम राधा था, सूत पुत्र था वो, और सूत को जो है वो शूद्र, वर्ण चार हैं, जातियाँ बहुत हैं, तो शूद्र में यही नहीं है कि कुम्हार, लोहार, सुनार, रथकार, घटकार, कटकार, सब ये शूद्र जातियाँ आते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो पैसा इन्हीं लोगों के पास था, सारा व्यवसाय तो यही लोग करते थे। ब्राह्मण क्या करता था, तो भिक्षा करता, पढ़ाता था। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने उनको दबाया, ये किया, वो किया, तो ये सब भड़काने वाली बातें हैं ना समझे की। और दूसरी बात यह है कि इस समय तो समाज में ऐसा कुछ है नहीं है, इसलिए मरे हुए गधे को पीटने से कोई लाभ नहीं है। अब हमें सोचना है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, हमें किसी का निरादर नहीं करना है। महाप्रभु ने तो कहा अमानी न मान देना, तो किसी को निरादर नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, सबका आदर देना, चाहे वो शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सबके अंदर भगवान का वास है। तो अंतिम दृष्टि तो वेद यही देना चाहता है, वासुदेव सर्वमिति। ये तो एक समाज में किस प्रकार से, क्योंकि समाज में खाना पीना तो करना पड़ेगा ना, और कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। हमें कपड़े पहनने, तो ऐसा थोड़ी मैं ही कपड़ा बनाऊंगा, मैं ही खाना बनाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर उतनी योग्यता नहीं है। तो आपस में एक दूसरे के सहयोग से समाज चलता है, तो समाज की व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था है। और केवल समाज यहीं चलता रहे उसके लिए भी नहीं है वर्ण व्यवस्था, समाज यहाँ सटीक रूप से चले और फिर हम आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें, इस दृष्टि से ये बनाया था। लेकिन हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ गलतियाँ आ जाती हैं जब लोग उनको नहीं समझते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं। तो आज वर्णाश्रम के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं है, तो फिर वो कुप्रथाएँ चालू हो जाती हैं। तो ये सब अज्ञानतावश होता है ऐसे, तो उनके लिए हमें समर्थन नहीं देना है। तो वर्णाश्रम में बहुत कुप्रथाएँ आई, ये सही बात है कि शूद्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं इस बात को मानता हूँ, और वो गलत है। लेकिन वास्तव में शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि शास्त्र तो गीता में पढ़े तो भगवान स्वयं ही कहते हैं ना, स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति, क्या स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये पीछे पापी होने, कोई पापी होनी और भी हो, चंडाल भी, वो भी इस पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं मेरे शरण में आकर। तो वो तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन इतना भेदभाव तो वो भी कर रहे हैं ना कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये नहीं, तो उनका नाम क्यों ले रहे हो। तो वो उनके कार्य कर्म के अनुसार है, वो क्या कर्म करते हैं। अगला प्रश्न है कि श्राद्ध सर्मनी के संदर्भ में संतुष्टि और असंतुष्टि से क्या अभिप्राय है। आत्मा किसी की भी कि कोई भी आत्मा किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा कैसे लाभान्वित हो सकती है, क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी आत्मा जो जो किसी के पूर्वज हैं अगर वो
निम्न जाति की लाइफ को जी रहे हैं, तो जो श्राद्ध सेरेमनी है उसे करने से वो एक उच्च जाति की जीवन को पा सकेंगे? तो ऐसा नहीं है, उच्च जीवन को नहीं पाएंगे। मैं संतोष की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में, आप उस स्थिति में संतोषपूर्ण रह सकते हैं और असंतुष्ट होकर भी रह सकते हैं। आपके पास पैसा है, आपको संतोष हो सकता है कि मेरे पास काफ़ी है, मैं चिंतित नहीं हूँ। और आपके पास बहुत पैसा है फिर भी असंतुष्ट है, नहीं मेरे को और चाहिए। तो इस प्रकार का असंतोष जो देखने में आता है प्राय करके, लोग किसी भी पद से, किसी भी स्थिति से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा है लेकिन फिर भी उसमें वो आनंद अनुभव करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो इस श्राद्ध से संतुष्टि प्राप्त होती है उस जीव को, जहाँ भी वो है, जिस भी स्थिति में है। इसका मतलब नहीं है कि निम्न जाति का है तो उच्च जाति में चला जाएगा, नहीं, उस निम्न जाति में भी वो संतुष्ट रहेगा। क्योंकि बात तो यहाँ संतुष्टि की है, अगर आप ऊँची जाति में जाके भी असंतुष्ट रहे तो क्या लाभ हुआ उस? प्रश्न है कि साधना भक्ति करने से, जो साधन भक्ति कर रहे हैं उन्हें पिंडदान और अन्य प्रकार की क्रियाएं करने की ज़रूरत है कि नहीं? प्रायः भक्तों के द्वारा ये सुना गया है कि जो व्यक्ति भक्ति करते हैं उन्हें इस तरह की कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम अपने आप में पर्याप्त है। तो ये तो प्रश्न पहले ही पूछा था, मैंने उसका उत्तर दिया था। तो इसमें ये दो चीज़ें हैं कि जब आप समाज में रहते हैं, और ये भक्ति संदर्भ में भी इस बात पर जीव गोस्वामी जी ने अपना प्रकाश डाला था कि जो भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से शरणागत हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक था है आवश्यकता होना, दूसरा है करना, क्योंकि समाज के अनुरूप चलने के कारण। तो जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में एक लोकाचार है, एक सदाचार है, तो उसको करते हैं। तो अगर हम उस समाज के अंग हैं तो हमको भी करना चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को भी एक आदर्श देते हैं कि वो भी ना करें, क्योंकि वो सोचेंगे यार ये तो भक्त लोग हैं, ये नहीं कर रहे तो हम तो इनसे नीचे हैं, हम क्यों करें। तो जैसा भगवान ने गीता में कहा, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितर जन सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। तो लोग दूसरों को देखकर अपना एक आचरण बदल लेते हैं। विशेष तौर से जब आप किसी को कुछ अच्छा काम करने की आवश्यकता है, उसको ये करना चाहिए, तो वो नहीं करता। जब वो देखता दूसरा नहीं कर रहा है और दूसरा गलत काम कर रहा है तो कहेगा यार ये कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं, ये तो भक्त है और ये गलत काम इस तरह का कर रहा है तो मैं भी करूँ। तो इसलिए हमारे समाज में भी एक उत्तरदायित्व रहता है कि हमारे कारण दूसरे लोग अधार्मिक ना बने, तो इस दृष्टि से करना चाहिए अगर समाज उस प्रकार के समाज के हम अंग हैं। और जहाँ इस प्रकार की कोई क्रिया होती नहीं है जैसे विदेशों में, तो वहाँ तो है ही नहीं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं। और कुछ अभी हम देख सकते हैं कि समाज में बहुत लोगों के द्वारा वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हम विवाह संस्कार देख सकते हैं। तो क्या अगर कोई किसी भी प्रकार से भक्ति से संबंधित या भक्ति कर रहा है तो क्या वह ऊपर उठ सकता है? तो क्या किसी को केवल भक्ति के प्रचार में ही केंद्रित रहना चाहिए? पहले तो ये प्रचार वाला जो बुखार है उसको छोड़ दीजिए आप। ये एक बड़ी बीमारी है, प्रचार प्रचार प्रचार। पहले आपको आचार करना है ना कि प्रचार। ये धर्म जो है ये आचरण के लिए है मुख्य रूप से। आचरण नहीं करोगे तो प्रचार की बात आप भूल जाइए। पहले प्रचार आप तभी करेंगे जब आप उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उसका आचरण करते हैं, आपको कुछ अनुभूति है। लेकिन आज क्या है कि थोड़ा सा समझ ले, बस प्रचार करो और उससे होगा क्या फिर?
तो आप अपने आचरण पर ध्यान दीजिए, और मैं कोई प्रचार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्रचार जो है वो योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, और योग्यता प्राप्त करने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर हम स्वयं नहीं समझते हैं तो दूसरों को भी इसी तरह का प्रचार करेंगे, फिर उसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर आता है, उसका पाप हमको लगेगा। ये मत सोच लेना कि प्रचार ही बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप गलत प्रचार करते हैं, किसी को गलत ज्ञान देते हैं, तो आप उसके उत्तरदायित्व हैं, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जब प्रचार करें तो पहले उसको अच्छी तरह से समझें कि क्या है, ये शंकाओं का समाधान आपके पास होना चाहिए। और मुख्य आचरण है प्रचार, सेकेंडरी। तो ऊपर उठना जो है वो भक्ति से होगा, और जैसा मैंने कहा कि अगर समाज में लोकाचार है तो उस लोकाचार के विरुद्ध कार्य मत कीजिए। लोकाचार भी एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे शास्त्रों में माना गया है, लेकिन अगर इस प्रकार का लोकाचार नहीं है तो आप भक्ति कीजिए, कोई समस्या नहीं है। संदीप जी। प्रणाम बाबा जी महाराज। सो मेरा क्वेश्चन, आज के जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए, यदि हम जो आपने बताया धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो अगर मैं ये समझूं कि मैं एक पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं शिष्य हूँ, तो मेरी जो भी ड्यूटी है मैं वो करूँ, या मैं पति हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूँ, और दूसरा व्यक्ति चाहे करे या ना करे, तो क्या ये अप्रोच सही है आज के परिपेक्ष में? हाँ, अगर आप अपना कर्म निभाइए, दूसरे का कर्म दूसरे के साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। क्योंकि सोसाइटी में जैसे वर्णाश्रम वापस आना तो काफी मुश्किल, मतलब असंभव जैसे ही है, तो इसमें, इस केस में अगर हम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखना चाहते हैं धर्म के अनुसार, तो हम अपनी ड्यूटी करते रहे। ऐसा है कि वर्णाश्रम में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका तो हमें हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अगर आप भागवत पढ़े हैं तो 11वें स्कंद में भी और 7वें स्कंद में नारद ऋषि के जो प्रवचन है वर्णाश्रम पे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो सब पे लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, तो वो अभी भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। आप उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो वर्णाश्रम है, गुरुकुल में जाना, ब्रह्मचारी रहना, वो तो किसी के लिए संभव है नहीं। कुछ 2-4.001% कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, दूसरों को कष्ट ना देना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखना, दूसरे के साथ ना करें, इस प्रकार के जो नियम हैं ये सब पर लागू होते हैं, आप चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, तो उनका उनका पालन करो। आज के समाज में इतना ही बहुत है, बड़ों का आदर करना, दूसरों की कुछ आवश्यकता है और आपके अंदर सामर्थ्य है, उनकी सहायता करना, ये कॉमन चीज़ें हैं। और इस ये मानव मात्र के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में ही है, हर समाज में है ये। Thou shall not kill, Ten Commandments में है ना, तो इनको मानिए आप। एक और प्रश्न था बाबा जी महाराज, कि जैसे ये धर्म युद्ध था तो पांडवों की तरफ से पांचों पांडव जो धर्म के प्रतीक है वो बच गए, लेकिन फिर कौरवों की तरफ से भी तो अश्वत्थामा और कृतवर्मा और एक और जो भी बच गए थे, तो उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे के आगे धर्म का प्रवर्तन करेंगे वो अगले सतयुग में, बीज रूप में रखा उनको। अच्छा।
can give the mic back. Yes. Babaji, you mentioned that a person's varna is judged by guna and karma, but it also seems traditionally that they were bound by jati, so to speak. Like you mentioned Karna, clearly he was a kshatriya because he could fight with Arjuna, but they called him Suta. Yes. So traditionally, and like in village life, was it ever, would a person ever marry outside their jati if they had a different nature, or was it? So when it came to marriage, it was all according to jati. Otherwise, it is very difficult to figure out who is belonging to what. And then avyavastha will come. So when you have to apply rules at global level, पूरे समाज के लिए जो नियम बनाए लगाए जाते हैं तो उनमें कुछ इस यू हैव टू हैव सर्टेन व्हाट यू कॉल थंब रूल्स टू फॉलो क्योंकि ये कौन किस वर्ण का है ये पता लगाना आसान काम नहीं है तो जो कर्ण था वो तो वर्ण से तो क्षत्रिय था लेकिन जाति से तो सूत था तो उसकी शादी सूतमय होगी क्योंकि जो दूसरे वर्ण वाले हैं वो कैसे मानेंगे इस बात को हर एक व्यक्ति तो नहीं मानेंगे भीष्म भी नहीं मानता था बार बार कहता था तुम तो सूतपुत्र हो उसको बोलता ही था सूतपुत्र क्या है सूत का छोरा चले यहाँ से कहाँ तो आ गया Would it be correct to say that the reason for dissatisfaction today, most people are very dissatisfied in their lives, is because there's no shraddha going on anymore? Shraddha, not shraddha. Shraddha. तो क्या ये कह सकते हैं कि आज समाज में जो एक प्रकार से असंतोष है इसके पीछे श्राद्ध ना करना कारण है हाँ ये भी एक कारण है और भी कारण हो सकते हैं लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है इसमें कोई दो राय नहीं प्रश्न ये है कि ये बहुत ही आपने जैसा भी बोला कि बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि कौन किस जाति का है तो वर्ण का है कौन किस जाति तो जन्म से आती है कौन किस वर्ण का है तो ये प्रश्न ये है कि पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस वर्ण का है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जा सकता है कि हम लाइक माइंडेडनेस पीपल को अप्रोच कर पाएँ तो आप कुछ बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के का संग कर सकते हैं जो हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ मैच करते हैं बिना अपने समय का दुरुपयोग किए नहीं तो आपको वर्ण पता लगाने की क्या आवश्यकता है आपको सत्संग करना है तो अच्छे लोगों का सत्संग कीजिए उनका व्यवहार किस प्रकार का है उनका आचरण कैसा है वो देख कर वो तो आचरण जो है किसी वर्ण वाले का अच्छा हो सकता है जैसे मैंने कहा ना सत्य बोलना अहिंसक होना चोरी ना करना तो इसमें तो ये नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण ही ऐसा होगा ब्राह्मण तो स्वाभाविक ही होते हैं लेकिन ऐसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हो सकते हैं तो आप इन गुणों को देखिए सत्य पहले तो ये देखिए सत्यवादी कौन है आजकल बहुत मुश्किल है ये ढूंढना कि लोग सत्यवादी हैं प्रश्न ये है कि क्या अभी जो प्रशासन है वो धर्म को फॉलो कर रहा है अधार्मिक लोगों के साथ जो अधार्मिक लोगों हैं उन लोग हैं उनके साथ क्या जो अभी का प्रशासन है वो धर्म फॉलो कर रहा है कौन सा धर्म कौन से धर्म की बात कर रहे हैं वो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार चल रहे हैं लेकिन आप कहेंगे जो शास्त्र के अनुसार है वो उसका पालन तो कर ही नहीं सकते हैं उनके पास ही इतनी स्वतंत्रता ही नहीं है क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है और किसी भी देश का वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही शास्त्र है अभी जैसे पहले हमारे यहाँ स्मृति होती थी
और स्मृति के अनुसार राजा लोग राज्य करते थे, तो आजकल जो स्मृति है वो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो उसी के अनुसार उनको चलना पड़ता है, उसी के लिए जज होते हैं। अगर उसके विरोध में जाते हैं तो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट डालते हैं ना, सरकार के अगेंस्ट में डालते हैं। तो ये सब लोग जो हैं एक स्टेट में उस कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, जैसे पहले स्मृति से बंधे हुए थे लोग, राजा को भी स्मृति का पालन करना पड़ता। तो अभी तो यही धर्म है और कोई धर्म नहीं। बाकी आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे कोई भी धर्म करते रहें वो अलग बात, लेकिन सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई मानती है, उसी से चलती है, उसको भी मान ले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मंगलाचरण अपने प्रार्थना के श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यस्य एक देवस्य सेवा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।